But I want to go across to Sushil Modi, who is Rajya Sabha MP and former Deputy Chief Minister of the state. Sushil Modi ji, bahut bahut dhanyawad hamare saath judne ke liye. Aaj Bihar ki sarkar ne wahan caste census ka data jo hai release kiya hai. Uske mutabik 63% abadi jo hai wo backward caste hai, ya to OBC hai, nahi to EBCs hai, extreme backward caste hai. और वहाँ की सरकार की कहना यह है कि बीजेपी हमेशा इसको अपोज करती आई है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ एफिडेविट फाइल करके केंद्र सरकार ने ये बताया था कि ये फीजिबल नहीं है. इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, किसने मना किया ना बताएं? ये झूठा प्रचार कर रहे हैं. ये तो हमारी सरकार का निर्णय है. जिस सरकार ने यह निर्णय लिया कि बिहार में कास्ट सर्वे होना चाहिए, उसमें क्या ये आरजेडी थी शामिल सरकार में? और लालू यादव से पूछे कि 15 साल मुख्यमंत्री रहे पति पत्नी, उस 15 साल में कास्ट सर्वे क्यों नहीं कराया? और ये तो जब बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार बनी, उस सरकार का ये निर्णय है. जिस मंत्रिपरिषद की बैठक में बीजेपी के 14 मंत्री शामिल थे, जदयू के तो केवल 10 मंत्री थे, आरजेडी तो उसमें सरकार में थी नहीं. और देखिए, जब बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जब प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें बीजेपी सरकार में शामिल थी. ये हमारा रिजोल्यूशन था, हमारा प्रस्ताव था. और जब बिहार के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री पीएम से मिलने गए, उस डेलीगेशन में डॉक्टर दीपक प्रकाश, जो झारखंड के बीजेपी के अध्यक्ष, वो शामिल थे. श्री जनक राम बिहार सरकार के मंत्री शामिल थे. इसलिए बिहार के अंदर कास्ट सर्वे का जो निर्णय हुआ, वो बीजेपी की सरकार में निर्णय हुआ, ये बात अलग है. उसके बाद सरकार चली गई और इन लोगों ने इस काम को पूरा किया. लेकिन जो कास्ट सर्वे का निर्णय था, वो बीजेपी सरकार का निर्णय था. हमने कभी भी कास्ट सर्वे का विरोध नहीं किया है. लेकिन सुशील मोदी जी, ये बताइए, आपको नहीं लगता कि ये अभी एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा 2024 के चुनाव के लिए, और ऑपोजिशन इसको मुद्दा बनाएगी ही, और इसकी वजह से क्या इंडिया अलायंस को एक तरीके की बूस्ट नहीं मिल जाएगी 2024 के पहले? कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं होगा, पूरा समाज मिलकर वोट करेगा. और जो पूरा पिछड़ा समाज है, वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा. देखिए, बिहार के अंदर 40 MP हैं, इसमें 19 MP ओबीसी समाज से आते हैं. बिहार के अंदर ओबीसी की सबसे ज्यादा संख्या बीजेपी के विधायक और सांसदों की संख्या है. इसलिए मैंने कहा वो जमाना चला गया कि जब लालू यादव, मुलायम सिंह यादव ये बैकवर्ड पॉलिटिक्स करते थे. आज पिछड़ा समाज पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है. और आज ये लोग केवल माई समीकरण में सिमट गए हैं. इनके पास पिछड़ों की केवल 1-2 जातियां रह गई हैं. बिहार के अंदर उपेंद्र कुशवाहा आज किस पार्टी में, किसके साथ है? वो नीतीश कुमार के साथ नहीं है. आरसीपी सिंह किसके साथ है? जीतन राम मांझी किनके साथ है? चिराग पासवान किनके साथ है? पिछले 9 महीने के अंदर एक बड़ा नेता जदयू और आरजेडी के साथ नहीं जुड़ा है. और 3 बाई इलेक्शन हुआ बिहार के अंदर. वो 3 में 2 बाई इलेक्शन बीजेपी जीती और 1 बाई इलेक्शन में 64,000 वोट लाकर हम दूसरे नंबर पर रहे. और नीतीश जी के पास तो केवल 44 MLA बचे हैं. वो 44 विधायकों के नेता हैं. तो अति पिछड़ा समाज कब नीतीश जी का साथ छोड़कर चला गया? क्योंकि जिस दिन नीतीश जी ने ऐलान किया कि तेजस्वी यादव उत्तराधिकारी होंगे, बिहार का कोई अति पिछड़ा तेजस्वी यादव या लालू परिवार को अपना नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है. Okay. और आज बीजेपी ने बिहार में सम्राट चौधरी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है. हरी सहनी पहली बार निषाद का बेटा लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना है. उसे मैंने कहा कि वो जमाना चला गया. और इसलिए कास्ट सर्वे जो बिहार में हुआ है, वो निर्णय बीजेपी सरकार का निर्णय था, हमारी सरकार का निर्णय था. ओके, सुशील मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. सुशील मोदी, द फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, सेइंग दैट द बीजेपी वाज नेवर अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ कास्ट सेंसस. इनफैक्ट, इट वाज व्हेन द बीजेपी एंड जेडीयू वर इन पावर इन अ कोएलिशन गवर्नमेंट देयर दैट द असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन टू हैव अ कास्ट सेंसस इन द स्टेट इन द फर्स्ट प्लेस.